विश्व क्षय रोग दिवस पर क्षय रोगियों को लिया गोद। विश्व क्षय रोग दिवस पर विकासखंड ऑफिस गोवर्धन पर चिकित्सा विभाग द्वारा विश्व क्षय रोगियों को गोद लेने का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से सीएचसी प्रभारी डॉक्टर जितेश तिवारी, विकासखंड अधिकारी गोवर्धन, समाजसेवी गौतम खंडेलवाल अतिथि रहे। वहीं विश्व क्षय रोगियों को समाजसेवी गौतम खंडेलवाल, डॉक्टर जितेश तिवारी एवं विकासखंड अधिकारी गोवर्धन के द्वारा गोद लेकर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। इसकी जानकारी देते हुए डॉक्टर जितेश तिवारी ने मीडिया को बताया कि जब तक इन रोगियों का इलाज चलेगा तब तक सभी अधिकारी एवं समाजसेवी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराते रहेंगे। यह अभियान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के दिशा निर्देश पर कराया जा रहा है। टीबी को हराना है, भारत को जिताना है, इस उद्देश्य से ही कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। जब मीडिया की टीम ने समाजसेवी गौतम खंडेलवाल से बात की तो उन्होंने बताया, जैसा कि गौतम जी आज यहाँ पे टीवी रोगियों को गोद लेने का प्रोग्राम रखा गया था, उसमें आपने भी अपनी सहभागिता निभाई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे और जो आपके समाज सेवी हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, पूरे भारतवर्ष में टीवी के पेशेंटों की जो संख्या है वो उसका 1/4 हिस्सा वो उत्तर प्रदेश में आता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में टीवी का पेशेंट होते हैं उस क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का आईना भी वही होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का 2025 तक पूरे देश में से टीवी को मुक्त करने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा एक योजना चलाई गई है कि जिस भी क्षेत्र में टीवी के पेशेंट हैं उस क्षेत्रों के जो भी सामाजिक संस्थान हैं, सामाजिक जो भी लोग हैं, वो लोग या कोई समाज सेवी है, वो लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार टीबी के जो पेशेंट हैं उनके लिए पोषाहार और उनके लिए ये उपलब्ध करवाएं और जब तक वह टीबी का ट्रीटमेंट चले, तो उसी के अंतर्गत हम लोगों ने इस मुहिम में एक छोटा सा गहरी स्वरूप योगदान देने का सोचा है। और डॉक्टर साहब ने चूंकि बताया कि यदि हम 4 पेशेंट ले लें तो काफ़ी कुछ इससे लाभ मिले पेशेंटों को, तो उसी के अंतर्गत आज हमने 4 पेशेंटों को टीबी के पेशेंटों को गोद लिया और इसमें अपनी सहभागिता दी। सर, जैसा कि आज 6 रोगियों को गोद लेने का कार्यक्रम चलाया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे और उससे क्या प्रेरणा मिलेगी आम जनता को? देखिए, ये हमारे जो महामहिम है राज्यपाल महोदय और हमारे जो स्पेशल सेक्रेटरी है स्वास्थ्य, उनका जो एक इनिशिएटिव है कि हमें 2025 तक इसको मुक्त करना है टीबी रोग, तो उसी के उसमें कल जो है हमारे जो है जिले पे इसका हुआ था अडॉप्शन का प्रोसेस, और आज जो है हमने सभी ब्लॉक पे जो है सब जगह पे ब्लॉक पे ये इसका अडॉप्शन का प्रोसेस चल रहा है। तो इसका प्रावधान यही है कि जिस भी मरीज को इसका टीबी की जो ट्रीटमेंट चल रहा है तो उनको जब तक टीबी का ट्रीटमेंट चलेगा तब तक जो है जिसने भी अडॉप्ट किया है उसको अपना पोषाहार जो हमने आज हमने जो वितरित किया है उसी हिसाब से हमें अगले के आगे के 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने उसको पोषाहार देंगे। इसका मेन तात्पर्य यही है कि जो भी टीबी के मरीज हैं वो हृष्टपुष्ट रहेंगे, अगर अच्छा खाना खाएंगे तो उसमें जल्दी रिकवरी होगी और इसी अपेक्षा से हम जल्दी से जल्दी भारत को टीबी मुक्त करवाएंगे।